हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, सरकार द्वारा हमारे स्कूल कॉलेज सभी बंद किए हुए हैं, जिससे सरकार को ये अनुभव हुआ है कि हमारे जो जो देश का फ्यूचर है, स्टूडेंट है, उनका काफ़ी लॉस हो रहा है। तो इस बात को देखते हुए सरकार ने ऑर्डर दिए हैं कि आप सभी क्लासे ऑनलाइन चलाया जाए। तो हम भी आपकी क्लास आज शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कुछ त्रिकोणमिति चैप्टर है, उसके अंदर जो यूज होने वाली आइडेंटिटी है उनको बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको फॉलो करेंगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको आता है एक त्रिभुज। त्रिभुज होता है जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंदर बहुत सी वैरायटी है, कैटेगरी है, जैसे कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषम त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। समकोण वो होता है जिसके अंदर एक कोण 90 अंश का होता है, बाकी दो कोण 90 90, बाकी दो कोण 90 के होते हैं। ये सिंबल होता है आपका 90 डिग्री का, इसे बोलते हैं हम इसकी साइडों का नाम रखते हैं ए, बी, सी। हमारा मान लिया ये एंगल हमारा थीटा है। इसके अंदर क्या होता है, ये कोण 90 का होता है, ये और ये दोनों प्लस होते हैं 90 के। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता है आपका साइन थीटा, वो होता है आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, जो सेकंड होता है आपका कोस थीटा, वो होता है आपका आधार बटे कर्ण। थर्ड होता है आपका टैन थीटा, ये होता है आपका लंब बटे आधार। फिर इसका आपका साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा, वो होता है आपका कोसेक थीटा। साइन थीटा आपका लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक होगा आपका कर्ण बटे लंब। फिर कोस का अपोजिट होता है सेक, सेक होता है आपका कोस आपका आधार बटे कर्ण, ये होगा आपका कर्ण बटे आधार। फिर टैन होता है आपका, टैन का अपोजिट होता है कोट, कोट थीटा, ये होता है आपका आधार बटे ला। ये ध्यान से आप नोट कर लीजिए, इसे भी आइडेंटिटी इन्हीं के बेस पर आपके बागे क्वेश्चन कराए जाते हैं। आज आपकी क्लास का स्टार्टिंग है, इसलिए हम आपको ये याद करना है और इसके बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक एग्जाम्पल, उसे आप ध्यान समझिए। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर एक हमें दे दिया है कि साइन थीटा बराबर है 3/5, और हमें फाइंड करना है यानी ज्ञात करना है टेन थीटा क्या है और कोस थीटा क्या है। देखिए, साइन थीटा मैंने आपको ऊपर लिखाया है लंब बटे कर्ण, टेन लिखा है आपको लंब बटे आधार, कोस बताया आधार बटे कर्ण। हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, हमें फाइंड करनी है टेन थीटा की और कोस थीटा की। तो हमें देखना है कि साइन थीटा हो गया आपका लंब बटे कर्ण और टेन हो गया आपका लंब बटे आधार, तो हमें आधार फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए, हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल होगा 3/5, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हम इसका जो है इसमें से आधार निकालेंगे। हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसके इक्वल होता है कि कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ सभी वैल्यू पुट करते हैं, कर्ण का स्क्वायर हो गया हमारा 5, 5 का स्क्वायर, लंब हो गया हमारा 3 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। हम इसको इधर ले लेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल किसका हो गया आपका, आधार का स्क्वायर। फिर यहाँ से हो गया आपका 5 का स्क्वायर होगा 25 और 3 का स्क्वायर होगा 9, ये होगा आपका आधार का स्क्वायर, ये होगा वह 16 आधार का स्क्वायर। 16 होता है आपका 4 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये होगा आपका 4 इक्वल आधार। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आधार 4 है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना था टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है आपका लंब बटे आधार। देखिए लंब हमारे पास था 3 और आधार हो गया 4, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। इस तरह से कोस थीटा हो गया आपका आधार बटे कर्ण, आधार आपका हो गया 4, कर्ण हो गया 5। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा है, आप इसे दोबारा रिपीट करके देखिए और आपकी बुक में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये आप सोल्व करके देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।